हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षा त्रिवेदी है और हर्षा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज मंचूरियन की रेसिपी। ये मंचूरियन खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप भी इसको एक बार जरूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। वेजिटेबल मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पत्ता गोभी को चॉपर में चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज कैप्सिकम को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। मीडियम साइज प्याज को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट ली है। एक बड़ा चम्मच चिली सॉस लिया है। एक बड़ा चम्मच सोया सॉस लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर लिया है आधा चम्मच। आधा कप जितना कॉर्नफ्लोर लिया है। आधा कप जितना मैदा लिया है और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। मंचूरियन का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पत्ता गोभी में हम सबसे पहले ओनियन डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे, एक चम्मच जितनी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की पेस्ट डालेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, ब्लैक पाउडर स्वाद के अनुसार, नमक, कॉर्नफ्लोर और मैदा। इन सारी सामग्रियों को अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि जो भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम मंचूरियन फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, वो गरम हो गया है। उसमें हम छोटे छोटे मंचूरियन फ्राई कर लेंगे। मंचूरियन को हमें स्लो टू मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करना है। अब आप देख सकते हो कि हमारे मंचूरियन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी तरह सारे मंचूरियन को मैं फ्राई कर लूँगी। दोस्तों, यहाँ पे सारे मंचूरियन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम उसकी ग्रेवी बनाते हैं। मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी चम्मच जितना हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई प्याज, थोड़े से पत्ता गोभी, एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में आधा कप पानी डाल के मैंने इसकी स्लरी बनाई है। स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे और गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग ओनियन के पत्ते लिए हैं। एक फ्राई पैन में जो मंचूरियन हमने फ्राई किए थे वही ऑयल मैंने लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद हम उसमें पत्ता गोभी डालेंगे। ये सारी प्रोसीजर हमें फुल फ्लेम के ऊपर ही करनी है। उसके बाद शिमला मिर्च और पत्ता गोभी थोड़ा से सौते हो जाए, उसके बाद ओनियन डालेंगे। ये सारे वेजिटेबल को हमें क्रंची रखना है, ओवर कुक ना हो जाए उसका आपको ध्यान रखना है। एक चम्मच हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, रेड चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी थी वो ये मिश्रण में ऐड करेंगे। दोस्तों, आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। मेरे घर में ड्राई मंचूरियन ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ी ग्रेवी कम रखूँगी। अभी कॉर्नफ्लोर को 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से पकाना है। अब इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे।
थोड़ा सा टोमेटो केचप भी ऐड कर देंगे। अभी ये ग्रेवी रेडी है, हम उसमें ड्राई मंचूरियन ऐड करेंगे। आपको जितने मंचूरियन सर्व करने हैं उतने ही ग्रेवी में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, ऊपर से थोड़े स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते डालेंगे और अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों अब ये हमारे वेज मंचूरियन बनके रेडी है। ये मंचूरियन अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।